अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट टेकिंग सैम्पल साइज 2, और हमारे पास डेटा क्या है 1, 2, 3। हमने एक एग्जांपल ठीक है लिए। इस एग्जांपल में हमारे पास कैपिटल एन कितना है, तो आप देखें हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज है। सो एन की वैल्यू कितनी हुई, 3। सैंपल साइज हमें दिया हुआ है, ये देखें सैंपल साइज इज 2। सो यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। तो विद रिप्लेसमेंट की बात हुई है, इट मीन्स दैट टोटल सैंपल साइज हमारे पास कितने बनेंगे, यानी कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 पावर 2, 3 पावर 2 इज 9। सो हमारे पास टोटल 9 सैंपल्स बनेंगे। तो स्टूडेंट सैंपल पहले बनाते हैं, फर्स्ट सैंपल क्या आएगा, 1, 1, सेकेंड आएगा 1, 2, नेक्स्ट होगा 1, 3, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2, 1। स्टूडेंट सैंपल साइज का सैंपल हम कैसे बनाते हैं, इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट सैंपल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 9 सैंपल बन गए, ठीक है। अब हमने इन सैंपल का मीन निकालना है, यानी सैंपल मीन हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो सैंपल मीन आता है 1। इसके लिए आप करें तो 1 + 2 इज 3, एंड 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आता है 1.5। सिमिलरली 1 + 3 इज 4, 4 by 2 इज 2, 2 + 1 is 3, 3 by 2 is 1.5, 2 + 2 is 4, 4 by 2 is 2, 2 + 3 is 5, and 5 by 2 is 2.5, 3 + 1 is 4, 4 by 2 is 2। मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। हर एक सैंपल का मीन निकालना है, यानी दो इन दो वैल्यूज को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। सो 3 + 2 is 5, 5 by 2 is 2.5, 3 + 3 is 6, 6 by 2 is 3। ये हमारे पास आ गए सैंपल मीन। सैंपल बना लिए हमने, और सैंपल बनाने के बाद उनका हमने मीन निकाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन तमाम जो हमारे पास मीन आ गए हैं, इनको एक दफ़ा जो रिपीट हो रहा है इनको हमने तरतीब से पहले लिख लेना है, ठीक है। आप देखें हमारे पास यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारे पास क्या, फर्स्ट ये देखिए लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। सो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1.5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2, अब 1.5 अगेन आ रहा है तो इसको आपने दोबारा नहीं लिखना, और 2 भी अगेन आ रहा है दोबारा नहीं लिखना। ये इसके बाद हमारे पास है 2.5, 2.5 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास है 3। स्टूडेंट ये हमने इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने इसके बाद आप देखें तो फ्रीक्वेंसीज हम लिखते हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या मतलब कि 1 देखे कितने टाइम आया है, एक दफ़ा, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर इसके बाद 1.5 आप देखें हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, 1.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 2। 2 देखें तो 2 भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, एक ये और 3 टाइम आया हुआ है 2, ये देखें 3 टाइम, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 3। 2.5 देखें तो एक ये हमारे पास और एक ये 2 टाइम है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 और 3, एक दफ़ा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ये हमारे पास इनकी
फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एफ एक्स बार, तो आप देखें जो एफ कॉलम है इन इसका सम करें तो हमारे पास सम आता है एफ कॉलम का 9। हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को इसके टोटल पे डिवाइड करना है, यानी एफ एक्स बार में प्रोबेबिलिटी कि आपके पास फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आप देखिए मेरे पास 1 है और टोटल है 9, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। सिमिलरली 2/9, 3/9, 2/9 एंड 1/9। स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम कहते हैं ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होता है, 1 होता है। यानी आप इनको ऐड करें, एलसीएम ले लें और वो सारा करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 1। अब इसके बाद आप देखें स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है, मीन एंड वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने हैं। तो आप देखिए इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगी। मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूले लिख लेते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स बार से, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है हमारे पास और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखें, समेशन एक्स बार एफ एक्स बार, तो अब देखें सिंपली इसका क्या काम है, ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर सैंपल मीन का, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बार और एफ एक्स बार का जो कॉलम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमें क्या चाहिए, एक्स बार एफ एक्स बार। एक्स बार के कॉलम को एफ एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1/9 इज 1/9। 1.5 को मल्टीप्लाई करें 2/9 के साथ, तो ये देखें 1.5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हमारे पास आएगा 3/9। सिमिलरली हम अब मल्टीप्लाई करते जाए, अब इस कॉलम का सम करें तो आपके पास आएगा 18/9, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू 18/9। 18/9 को आप सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2, बिकॉज 9 1s are 9 और 9 2s are 18, सो इनको डिवाइड करें आपके पास रिजल्ट आएगा 2। ये तो स्टूडेंट हमारे पास मीन हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। आप अगर सिंपल जो पॉपुलेशन हमें गिवन है 1 2 3 उनका मीन फाइंड करना चाहते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 1+2+2+3, तीन वैल्यूज है ना 1 2 3, सो इनको ऐड करें एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन, सो 3 पे डिवाइड करें, ऐड करें एंड 3 पे डिवाइड करें, तो यहाँ से भी सेम रिजल्ट आता है 2। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, यानी वी ऑफ एक्स बार वेरियंस ऑफ एक्स बार, या हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार स्क्वेयर, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास देखें क्या है, समिशन एक्स बार स्क्वेयर
fx bar minus summation x bar fx bar होल स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का। यहाँ पे हमने जस्ट ये टर्म फाइंड करनी है, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए हमने मीन में क्या फाइंड किया है, समीशन एक्स बार एफ एक्स बार, इनका आपने होल स्क्वेयर ले लेना है। यानी ये जो टू है, टू का डायरेक्ट होल स्क्वेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने फाइंड करना है एक्स बार स्क्वेयर एफ एक्स बार, यानी एक्स बार का स्क्वेयर लिखें और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स बार के कॉलम के साथ। तो एक्स बार एफ एक्स बार स्टूडेंट हम पहले कर चुके हैं, हम डायरेक्ट इसको एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स बार स्क्वेयर एफ एक्स बार, बजाय इसके कि आप एक्स बार इस कॉलम का पहले स्क्वेयर लें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें एफ एक्स बार के साथ। आप क्या करें, डायरेक्ट एक्स बार के कॉलम को, ये जो हमने एक्स बार एफ एक्स बार फाइंड किया हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये रिजल्ट, सेम रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। स्टूडेंट्स एक्स बार को एफ एक्स बार के साथ यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए 1 × 1/9 इज 1/9, 1.5 मल्टीप्लाई विथ 3/9 इज 4.5/9। इसके बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई करें 6/9 के साथ तो ये हमारे पास आता है 12/9। इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आता है 12.5/9 और लास्ट मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9/9। ये देखें 3 मल्टीप्लाई विथ 3 इज 9 और डिवाइडेड बाय 9। और इस कॉलम का सम आप देखें तो सम हमारे पास आता है 39/9। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे जो है तो पुट कर दी नहीं इनकी वैल्यूज। आप देखें हमारे पास क्या आएगा, 39/9 माइनस 2 का स्क्वेयर करें तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, और ये तमाम कैलकुलेशन ये देखें 39/9 करें 4.33 आता है, माइनस 4 2 का स्क्वेयर करें 4 आता है, यानी 4.33 माइनस 4 करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.33। सिमिलरली अगर आप जो पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना चाहें उसके लिए आप सिंपल जो वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला होता है वो कैलकुलेशन वो सारा आप करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है। देखिए फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए, समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा, आप समीशन एक्स स्क्वायर करें तो यानी तमाम वैल्यूज जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड देन उनको ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट आता है 14 बाई 3 करें माइनस 4 करें तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रही हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.67। यानी 0.67 आप देखें हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस था वो था 0.33 और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो मेरे पास आ रहा है 0.67। तो अब देखें स्टूडेंट मेरे पास ये क्या, हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जो पॉपुलेशन वेरिएंस है यानी सिग्मा स्क्वायर, वो तब उसकी इक्वल होता है जब हम सिग्मा स्क्वायर को डिवाइड करें सैंपल साइज पे, सैंपल साइज पे आप डिवाइड करेंगे तो ही जाके वो इसके इक्वल आएगा। यानी अगर मैं डिवाइड करूँ 0.67 को 2 पे तो मेरे पास ये यहाँ से सेम रिजल्ट आता है जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है यानी 0.33। तो आप देखें
ये मेरे पास इक्वल आ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के, यानी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और इसके अलावा जो वेरिएंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। ये दो बातें हमने पढ़ी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।